का निषाद पार्टी के एक बहुत बड़े मसीहा नेता हैं, जो सिर्फ निषादों की ही बात करते हैं ज़्यादातर, और इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, और उनके बेटे विधायक भी हैं, और उनके एक बेटे सांसद भी हैं, उनके पास नहीं गए थे? शरीर का कुछ देखिए, ये फोटो है, ऊपर से चदरा डाल दिया गया, ये तन पर ये कपड़ा नहीं है, गले में देखिए कस के मार दिया गया है। और हम लोग गए थे, हमारी बहू जो है कि नहीं देख गया तो उसको चदरा डाल दिया, यही पहना रही थी, नहीं पहना पाई। इसके तन पर तस्वीर भी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। जब नेताजी लोग मंचों पे चढ़ेंगे तो मंचों पे भाषण दे दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, और भाषण यह भी दे दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है, और मंचों पे जब जाइएगा तो भाषण यह भी दे दीजिएगा कि अपराधी दूरबीन लगा के देखने से भी नहीं दिखते हैं, और जब मंचों पे जाइएगा तो भाषण यह भी दे दीजिएगा कि रात को 12 बजे भी बेटियाँ सड़कों पर गहने लाद कर अपने शरीर पर चल सकती हैं। अच्छा, आप निषाद समाज से आते हैं? जी जी। अच्छा, तो निषादों के एक मसीहा हैं, नेता हैं, उनके पास आप लोग नहीं गए थे? गए थे, हम तो योगी जी के पास गए थे, तो वहाँ से सुनवाई हुई तो गए वहाँ थाने पर, तो वहाँ जो एसओ साहब हैं तो कहते हैं कहीं भी जाओ तुमसे कोई कुछ नहीं कर पाओगे, हम जो चाहेंगे वही होगा। वहाँ से डांट खाते, वहाँ से गरिया के। कौन सा थाना लगता है आपका? गुलरिया थाना। अच्छा, गुलरिया थाना। जी जी, गुलरिया थाना। तो गुलरिया थाना की एसओ ने ये बात बोली? हाँ, वो एसओ। मामला क्या, पहले पूरा मामला बताइए। मामला यह है कि हमारी शादी हुई थी, वहाँ शादी किए थे लड़की के। हाँ। गुलरिया का बोलता है सरकपुर। हाँ। तो वहाँ हमेशा लोग उसको गरियाते झगड़ते थे, हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलते थे, पीड़ित करते थे लोग। तो हम बार बार कई बार हम गए उसको सुला उला करके आए, तो उसके बाद हमारी लड़की हमारे ही के यहाँ रहती थी, फिर भी कुछ दिन रही, उसके बाद गई, फिर दिखाही की दीपावली के दिन रहा, दीपावली के दिन उसको 100 नंबर 12 नंबर पर फ़ोन की थी, उस दिन झगड़ा हुआ था तो वहाँ 100 नंबर वाले गए थे, 12 नंबर वाले, तो कुछ किए नहीं, वैसे चले आए समझा बुझा करके। फिर वो लोग आए 1-2 घंटे के बाद, दूसरे द्वारा सूचना मिला तो हम भागत गए तो देखे लाश हमारी लड़की का वही दरवाजे पर पड़ा था, और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, शरीर पर उसके कोई कपड़ा ही नहीं था, कपड़ा नहीं था, गहना था ना, गुड़िया था, कुछ नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब दूसरे दिन थाने पर गए तो साहब कह रहे हैं कि कहीं जाओ कुछ नहीं कर पाओगे, मंत्री लग जाओ कहीं जाओ। दूसरे तो उसके बाद सीओ साहब आए, कहा कह रहे हैं कि सीओ साहब, अरे उसके साथ डिसिप्लिन भी नहीं है, उसका बेच के अफातफा कर लो ना, जेल जाएगा तो मर जाएगा। क्या क्या लोग कहा कि आपको खदेड़ दिया हुआ थे, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं सुनवाई कुछ नहीं होती है हमारी, हमारे लड़की का इंक्वायरी होना चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको CBI जाँच करा के हमको इंसाफ दिलाइए। हम यही महाराज जी से भी यही कहना चाहता हूँ, 200 साल से उनका मैं सेवा में जहाँ नहीं तो हाँ दौड़ा हूँ। इन्होंने बताया कि आप हिंदू युवा वाहिनी में कार्य करते हैं? हिंदू वाहिनी का कार्य करता हूँ 200 साल से, मेरे पास सब रिकॉर्ड है रखा हूँ, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुआ। योगी जी के कहते हैं लोग उनके अदालत में बड़ी समस्या के दूर होता, बाकी हमारा उनका कार्य करता हूँ कि हमारा इंसाफ नहीं मिला। मैं पहले जब इस तरह से किसी बेबस पिता को या फिर बेबस माँ को या फिर बेबस भाई को रोते हुए देखता था तो बहुत भावुक हो जाता था, मैं बोल नहीं पाता था, लेकिन अब इसकी आदत लग चुकी है। कई बार शब्द नहीं होते हैं, और आप सोचिए कि कोई भी लड़की अगर आत्महत्या भी करेगी तो क्या अपना कपड़ा उतार के आत्महत्या करेगी? और इस तरह के पुलिस वालों के ऊपर बार बार, ये पहला कोई आरोप नहीं है, बार बार इस तरह के पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि उनको आसान लगता है कि मामले को आत्महत्या बता के फाइल को क्लोज कर दिया जाए। जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी लेंगे, लेकिन जनता के किसी के काम मतलब आ जाए, ये रेयर ऑफ रेयर होता है। देखिए ये फोटो है, ऊपर से चदरा डाल दिया गया, ये तन पर कपड़ा नहीं है, गले में देखिए कस के मार दिया गया है,
और हम लोग गए तो है हमारी बहू जो है कि नहीं देख गया तो उसको चदरा डाल दी है, यही पहना रही थी नहीं पहना पाई। इसके तस्वीर भी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। कोई भी लड़की, मतलब कि कोई भी इंसान अगर आत्महत्या करने जाएगा तो वो कपड़ा क्यों निकालेगा? तैयारी करना था तो हाथ कपड़ा उतार के थोड़ी करेगी। हमको यही नहीं मिल रहा, वही विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी लड़की बहुत तैयारी देखे। वो टीचर भी थी, सरकारी पढ़ाती थी, अपनी पेट पालती थी, कई जियाती खियाती थी, दोनों पीते जीते खाते थे। और शादी को 10 साल हो गया? हाँ 10 साल हो गया, 2012 में शादी हुआ था इसका। आप उनके भाई हैं, क्या मतलब कि पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कहीं जाओगे, ये मेरे पापा गए थे वहाँ जनता दरबार में, रिपोर्ट भी दबा डरवा के हमारा बदल दी गया, पीएम रिपोर्ट भी बदल दिया। हाँ पीएम रिपोर्ट भी बदल दिया गया दबा करके, दबाव डलवा कर। मेरे बहनोई के मामा लगते हैं दुर्गेश निषाद प्रधान है प्रेजेंट टाइम में, दसदाला से, उनका कमलेश पासवान से बहुत करीबी है, वो वही लोग सारा खेल बिगाड़ दिए बनाए हैं, वही लोग सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिए। यानी आप कमलेश पासवान के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं? आरोप उनके लगा लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, लगाएंगे जाने सुने नहीं, बिना जाने सुने नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको संदेह है तो इसका भी जांच होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि क्या नाम है इतना इस तरह का, मतलब कि जाने सुने इल्जाम नहीं लगाया जाता है। तो सब मिला जुला के पुलिस वालों के ऊपर इन लोगों का आरोप है कि पुलिस वालों ने पीएम रिपोर्ट बदलवा दिया और सही से जांच नहीं किया, दबाव डलवा करके लोग पीएम रिपोर्ट को बदलवा दिया। अच्छा, पैसे के बाद बदौलत पैसा भी दे दिए लोग। मामला जमीन मेरे 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 बहनोई के हिस्से में 50-60 लाख का जमीन का हिस्सा है, और हिस्से के चक्कर में ये लोग, मेरी बहन को बच्चे नहीं थे, एक बच्चा हुआ तो झुक गया था, उसके चक्कर में जमीन के चक्कर में मेरे बहन को सब मार दिए। हमको यही नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए कोई भी लड़की या कोई औरत आत्महत्या करेगी शरीर पे बिना कपड़े के नहीं करेगी। चलिए बाकी जब नेताजी लोग मंचों पे चढ़ेंगे तो मंचों पे भाषण दे दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, और भाषण यह भी दे दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है, और मंचों पे जब जाइएगा तो भाषण यह भी दे दीजिएगा कि अपराधी दूरबीन लगा के देखने से भी नहीं दिखते हैं, और जब मंच पे जाइएगा तो भाषण यह भी दे दीजिएगा कि रात को 12 बजे भी बेटियां सड़कों पे गहने लाद कर अपने शरीर पे चल सकती हैं। यहाँ पे किसी लड़की की मृत्यु हो जाती है, वो आत्महत्या है कि हत्या जांच का विषय है, लेकिन उसके तन पे एक कपड़ा भी नहीं था, और लोग जेवर और गहने की भी बात कर देते हैं। सब कुछ गलत हो सकता है, सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन इन आंसुओं को जवाब चाहिए, और वो जवाब जितना अभी तक मिला वो संतोषजनक नहीं है। बार बार इन लोगों का आरोप है कि मामले को दबाया गया है, पीएम रिपोर्ट बदलवाई गई है, और ये कोई पहला मामला नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह के मामले आए दिन आप खबरों में देखते रहते हैं और मामले दबा दिए जाते हैं। इस तरह की चर्चा, इस तरह का आरोप हमेशा लगता रहता है। तो अभी आप मतलब कि दोबारा योगी जी से मिले? अच्छा, निषाद पार्टी के एक बहुत बड़े मसीहा नेता हैं जो सिर्फ निषादों की ही बात करते हैं ज़्यादातर, और इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, और उनके बेटे विधायक भी हैं, और उनके एक बेटे सांसद भी हैं। उनके पास नहीं गए थे? नहीं, उनके पास नहीं। गॉड फादर आप पता है क्या लिखते हैं? वो गॉड फादर आप मल्ला, आप मल्ला ही है ना सांसद? डॉक्टर संजय निषाद जी की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर संजय निषाद के पास हम नहीं गए थे, तो उनके पास भी जाइए। उनके कार्यालय गए थे तो एक बूढ़ा आदमी मिला, कहा उनसे तो एक होमगार्ड नहीं था, बदला हो पाएगा, वो करेंगे क्या, आप झूठे आए हैं, इसीलिए हम चले आए। कहें कि सब बगडोरी तो योगी जी के हाथ में है, इनसे कोई कुछ नहीं होता है।